नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। यहाँ पर डिस्कस है थोड़ा हाँ, और कुछ लोग उसमें बुरा भी मानेंगे, कुछ इस बात को सही भी मानेंगे, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे हम मैं जिक्र करने वाला हूँ हार्टून वालों का, क्वेश्चन में जो डाटा डाला गया है उस पर कोर्ट केस का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं कहता, पूरा इतिहास उठा के आप देख सकते हो। देखिए, आपको बता दें, जो कर्मचारी साथी भाई है जो केस करना चाहते हैं, ये नहीं कहना चाहता आप केस मत करो, आपकी नौकरी आप मर्जी जो करो, लेकिन इसका नतीजा क्या आएगा। अब कुछ साथी कहते हैं कि आज स्कूलों में जो कंप्यूटर फैकल्टी और लैब सहायक थे उनको नहीं डाला गया, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ के रूल अलग होते हैं, वहाँ पे कर्मचारी नियमित भी किया जाता है और किया भी जाएगा इनको। अगर इनको कौशल में डाला तो सोचो इनके रूल नेम, इनकी सेवाएं, इनके इनका सर्विस रूल बनेगा, ये भी आप सोच लो, मेरे से लिखवा लो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हार्टून वाले केस करते हैं कि हमें कौशल में ना डाला जाए। देखिए, बात हुई है, पहले कह रहे थे कुछ साथी कि 5,000 लेंगे, अब कह रहे कुछ 2,500 रुपये लेंगे, ये ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहता केस मत करो, केस करो अगर आपने में, आप में दम है, करना चाहते हो, लेकिन नतीजा बेनतीजा रहेगा। आप सोचते हो कि कोई बड़े से बड़ा वकील देखें हम और केस करवा दें, वो हमें केस केस जीत दिला देगा। सरकार ने जो फैसला ले लिया है वो अंतिम फैसला होता है। आप कोई भी इतिहास देखोगे पुराने उठा के कर्मचारियों का, आप इतने ज़्यादा तो हो नहीं कि जैसे किसान आंदोलन था वैसे आप लड़ लोगे, कोई आपकी आपकी हड़ताल पर नहीं जाएगा क्योंकि कोई नौकरी खोना नहीं चाहता। सभी साथी लेटर को ज्वाइन करेंगे कौशल वाले को, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, चाहे कम हो पैसे चाहे ज्यादा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी है। छोटे से एक बात है, आप केस करोगे आपको स्टे मिल जाएगा, स्टे आपको छोटे से छोटा वकील भी दिलवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा भी होगा कुछ, अगर आपके ऊपर रेगुलाइजेशन का केस पहले से चला हुआ है, 2014 से पहले आप लगे हुए हैं, रेगुलाइजेशन का केस है, फिर तो आपको स्टे लेने में फायदा है, ठीक है। क्योंकि कुछ भाइयों ने सटे लिया है क्योंकि वो रेगुलाइजेशन के कंगार पर हैं, 2014 की पॉलिसी में आते विभाग ने उनको पक्का नहीं किया था, उन्होंने कोर्ट केस रखा रखा, उन्हें मिल गया सटे। दूसरी बात, अगर आप फ्रेशर हो, आप लगे हुए आर्टोन में हो, आप पॉलिसी में भी नहीं आते थे, तो अब आप केस कर देते हो तो स्टे तो आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, स्टे मिल जाएगा। लेकिन जब आपका एग्रीमेंट खत्म होगा, विभाग उसको आगे नहीं करेगा, तो फिर आपको समस्या आएगी, क्योंकि केस के लिए पैसा भी चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, हकीकत बताता हूँ, और कई लोगों को तो ऐसा लगा कि मैंने आंखों में उंगली मार दी, और रियलिटी कह रहा हूँ, कई को तो इतना बुरा लगेगा ये वीडियो। केस पर सटे आ जाएगा, लेकिन लास्ट में जीत क्या होनी, सरकार की जीत होनी, आपको कौशल को अपनाना ही होगा, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, ये है बड़ी सच्चाई, कड़वी चाहे लगो आपको भाई। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप केस ही करना चाहते हो, कुछ साथी कहते हैं इकट्ठे हो गए केस करेंगे पैसा कम लगेगा, ये हमारी गलत रास्ता है हमारा। हमें अलग अलग जितने भी आप डिपार्टमेंट, अगर आप केस ही करना, आप लोगों को मैं आपको केस की राय नहीं दे रहा हूँ, अगर आपने केस करना है तब कह रहा हूँ, जितने भी आप डिपार्टमेंट के साथ ही अलग रहे, अलग अलग केस को डालिए, अलग अलग केस डालने से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सरकार पर, ठीक है। उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं अलग अलग, वो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो इससे वो परेशान हो जाते हैं, यहाँ पर फायदा हो सकता है। आपको दोनों तरह की तरकीब मैंने बता दी है, और बहुत से साथी कहते हैं भाई देखो ऐसी बात नहीं, अगर आपने केस करना है, मैं खुद आपको ऐसे एडवोकेट से मिला सकता हूँ, एसके मलिक, इसको आपको भी जानते होगे, आप भी जानते होगे, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकता हूँ आपकी डायरेक्ट। लेकिन मैंने सच्चाई आपको बता दी है, इस केस में जीतना 1% चांस है आपकी, आप लोग जीत जाओगे, मेरे से लिखवा लो ये बात, चाहे आप लोग को बुरा लगे चाहे ना लगे। और एक बात तो कहना चाहता, जो साथी इकट्ठा होकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भाई, आप पैसे को कोई गलत यूज मत करना, कहीं किसी का पैसा लेके ना भाग जाए, क्योंकि हर गरीब यहाँ पे लगा हुआ नौकरी पे, ऐसे वो पैसे वाले नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको सबको इकट्ठा, आप 10 लोग इकट्ठे होते हो, आपका किसी का 10,000 लगे, किसी का 5,000, तो वो भी आप केस डाल सकते हो। जितना ज्यादा आप अलग अलग केस डालोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, ये बात आपको सही बता रहा हूँ। मेरी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन जो समझने वाला है इसको अच्छी भी लगेगी, क्योंकि मैं हमेशा सच्ची बात कहता हूँ और मुंह पे कहता हूँ, किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो सच है वही बताता हूँ। यूट्यूबर हूँ भाई, आपको भी पता है, बहुत से एडवोकेट भी हमसे जुड़े होते हैं ग्रुप में, अलग अलग भाई, कोई
कोई क्या पता कितने बड़े बड़े वो जुड़े होते हैं हमारे, लगभग जुड़े ही होते हैं बहुत से। और इस कर्मचारियों का चैनल है मेरा अलग से टी साला यूट्यूब चैनल, वहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जुड़े पूरे भारत से, हर तरह के मेरे को राय देने वाले भी होते हैं। खुद मैंने भी हार्ट को लेकर राय ली थी, तभी मैंने वीडियो बनाने का फैसला किया है। मर्जी आपकी है। हाँ एक आप बात आपका फाइनल है, अगर आपको जो सैलरी पहले मिल रहा था, निगम आपको सैलरी कम दे रहा है, वहां पे आपको एक लेटर लिखना होगा, क्योंकि निगम का लेटर वहां पे साफ साफ आएगी, जो पहले सैलरी ज्यादा ले रहा है उसको ज्यादा ही मिलेगी, लेकिन जो पहले कम ले रहा है, निगम रेट ज्यादा है तो उसको निगम रेट मिलेगा। ये आप अपने विभाग में लेटर दे सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या सिस्टम होता है, वही वही हार्टन वाला सिस्टम है, आपका रिन्यू होगा 1 साल बाद, जैसे हम एग्रीमेंट करवाते थे, तो यहाँ भी वो विभाग रिन्यू करेगा आपको, विभाग को आपकी जरूरत है तो रिन्यू कर देगा उसको, कौशल को डिमांड भेजेगा और रिन्यू किया जाएगा, बस यही है। और आपकी क्या राय इस बारे में, कमेंट करना कि इसके बारे में वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।